हेलो एवरीवन, आज का जो लेक्चर है वो बोहर्स मॉडल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर है। इससे पहले का जो वीडियो आया था उसके अंदर हमने बोहर मॉडल के इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, आयनाइजेशन, एनर्जी, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, और वो सब हम लोगों ने वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। ओके, अगर आपको ऑलरेडी बोहर्स मॉडल आता है, कंसेप्ट आते हैं, तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हैं, क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट में थोड़ा सा अच्छे से नहीं आता है तो अच्छा होगा कि आप पहले वो वाला वीडियो देखें, है ना, उसके बाद यहाँ लौट कर। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। पहला क्वेश्चन है नीट 2019 के अंदर आया क्वेश्चन है। अच्छा, एक और बात देखिए, अब हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। हाँ, एक और ज़रूरी बात, जब भी आप मेरा कोई लेक्चर देख रहे हैं आपको बिना कॉपी पेन के नहीं बैठना है, ठीक है। आपके पास कॉपी होनी चाहिए जिसके अंदर सुंदर सुंदर राइटिंग है, एटलीस्ट जैसी भी राइटिंग है, आपको जो है वो अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जितने अच्छे आप नोट्स बनाएंगे, जितने सफाई से आप नोट्स बनाएंगे, उतने अच्छे से फिर आप उसको याद कर पाएंगे, आपको जल्दी याद होगा, ये ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो कॉपी पेन के बिना आपने नहीं बैठना। पहला क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन एटम व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोहर ऑर्बिट गिवन द बोहर रेडियस इज 10 A0 52.9। एक बार वीडियो को पॉज करो, कंसेप्ट आपको मैं बता चुकी हूँ पिछले वाली वीडियो में, तो आप एक बार जल्दी से 2 मिनट के लिए ट्राई कर लो, 1 मिनट के लिए ट्राई कर लो, जल्दी से फिर देखो कि हम इसे कैसे करते हैं, वरना आप ना देख सकते। देखिए क्या कह रहे हैं वो, कह रहे जी हाइड्रोजन का एटम है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, बेसिकली वो लैम्डा पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, लैम्डा वो आपसे पूछ रहा है, मैं साइड में लिख देती हूँ, लैम्डा वो आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सेकंड बोहर ऑर्बिट एन की वैल्यू उसने दे दी 2, यानी कि बोहर ऑर्बिट मतलब बेसिकली छठी बात कर रहा है जो सेकंड है। ए नॉट गिवन बोहर रेडियस, ए नॉट की वैल्यू उसने दे रखी है आपको 52.9, जरूरत पड़ती है कि नहीं, पर फिलहाल तो चलो उसने आपको ये दे रखा है। देखिए, एक रिलेशन मैंने आपको बताया था जब हमने बोहर का मॉडल पढ़ा था, और रिलेशन था कि जो भाई 2πr होता है वो n लैम्डा के इक्वल होता है, आपको याद होगा 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। जहां पे जो r होती है बेटा वो रेडियस होती है, ठीक है, n जो होती है वो ऑर्बिट का नंबर है जिस भी ऑर्बिट की वो बात कर रहा है, और लैम्डा हमारी वेवलेंथ है। आप समझ रहे हैं फॉर्मूला? देखिए, क्वेश्चन आप फिजिकल केमिस्ट्री का तब तक नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको फॉर्मूले उसमें नहीं, बहुत जरूरी है कि आपको फॉर्मूले याद हो, ऐसे याद हो कि जब आपसे कोई पूछे यार अपने नाम का स्पेलिंग बताओ तो स्पेलिंग भी कम निकले, मतलब स्पेलिंग बाद में निकले, पर फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो कोई जल्दी निकलना चाहिए, इतना ज्यादा शिद्दत से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा जो है हमारा फॉर्मूला है। ओके, क्यों मैंने ये फॉर्मूला लगाया है बेटा, बिकॉज वो लैम्डा पूछ रहा है, लैम्डा पूछ रहा है, एन दे रखा है, ठीक है, तो पक्का रिलेशन वो चाहिए जिसमें एन भी हो और लैम्डा भी हो। लैम्डा पूछा है, एन भी है, तो रिलेशन वो यूज करना है जिसमें लैम्डा भी आया और एन भी आए, और ऐसा रिलेशन यही होता है 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा, जिसमें दोनों चीजें आती हैं, ठीक है। रेडियस, ऑर्बिट नंबर, वेवलेंथ, ये हमने लिख लिया ना, तो बस आपको सिंपल ही है, आप लगा लीजिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे 2πr, अच्छा r जो होता है ना वो बोहर ऑर्बिट की रेडियस होती है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 52.9 इंटू एन स्क्वायर ओवर जेड, ये हम ले रहे हैं पिकोमीटर के अंदर ऑब्वियसली, तो इक्वल हो जाएगा ये n लैम्डा, n की वैल्यू है 2 और लैम्डा की वैल्यू तो आपने निकाली, ठीक है, n की वैल्यू 2 है, ऑर्बिट नंबर आपको 2 दे दिया और लैम्डा तो आपने निकालना है, तो ये पिकोमीटर में चल रहा था हम ना, तो यहाँ से जो कटता है जी काट लो और यहाँ से लैम्डा निकालो, तो लैम्डा जो आपके पास आएगा, अच्छा जेड, एन स्क्वायर ओवर जेड होता है, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं या पहले लैम्डा निकाल लेते हैं, तो लैम्डा यही होगा, तो आपके पास आएगा 52.9 इंटू पाई इंटू एन स्क्वायर ओवर जेड। अब क्योंकि वो बात कर रहा है हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम में जो जेड होता है, जेड एक्चुअली क्या होता है, जेड होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, जेड होता है एटॉमिक नंबर, और जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के लिए जो जेड होगा वो होगा 1, हीलियम के लिए होगा 2, लिथियम के लिए होगा 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एन का वैल्यू मैं रख देती हूँ बेटा 2
टू हो, क्योंकि शेल टू की बात हो रही है और जेड का वैल्यू मैं रख देती हूँ वन। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, टू टू जरा फोर, पाँच सौ बीस। तो आपके पास ये सॉल्व करा करा के जो भी आएगा वो 211 के आसपास आएगा। ठीक है, दैट विल बी 211.6। और पाई तो चली रहा है, ये सारा का सारा काम पी को भी करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा। देखिए सारा खेल किसका है, सारा खेल फॉर्मूले का है। और फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला रखना काफी नहीं होता, ये भी जरूरी होता है कि आपको भाई पता हो कि यहाँ n का मतलब क्या है, यहाँ z का मतलब क्या है, लैम्डा का मतलब क्या है ना, मतलब जानना बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पे 2πr² λ का फॉर्मूला लगाया है और r को हमने कर लिया ओपन, तो ये r का फॉर्मूला हमने खोल दिया। आप बोलोगे कि मैम r को ओपन क्यों किया, आप r को डायरेक्ट रख देते, नहीं रख सकते, बिकॉज r की कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, चलिए इसीलिए मुझे इसको n और z के नाम में खोलना पड़ा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इसमें से हेल्प मिला हो, क्वेश्चन समझ आए हो, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज AIPM 2011 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है द एनर्जी E1 एंड द E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। कह रहे जी दो रेडिएशन है जिसका नाम उसने E1 और E2 रखा है, और उनकी जो वैल्यूज हैं एनर्जी की वो 25 और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है रेस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा टू, उनके वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होगा, लैम्डा वन और लैम्डा टू का क्या रिलेशन होगा। देखिए आप ये देखिए, मैं सोल्यूशन लिखती हूँ पहले, यहाँ पे सोल्यूशन अगेन आपको वही काम करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद एक बार ट्राई करना है, फिर देखना है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आपको आता है वो घर मॉडल तो द एनर्जी इवन एंड ई2, ओके आपको दो एनर्जी दे रखी है बेटा, E1 आपको दे रखी है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 आपको दे रखी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा है कि इनका वेवलेंथ का क्या रिलेशन होगा। देखिए सिंपल सा मतलब है, एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और एनर्जी जो होती है वो एच सी ओवर लैम्डा होती है, हम जानते हैं। तो जो E1 होगा बेटा वो होगा एच, या मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ, दोनों को E1 यहाँ लिख देते हैं और E2 यहाँ लिख देते हैं। E2 आपके पास 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, E1 को ओपन करते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं साइड में। क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने एनर्जी का, एनर्जी जो होती है किसी भी रेडिएशन की, रेडिएशन की एनर्जी बात कर रहा है, वो होती है एच सी ओवर लैम्डा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, वेयर एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, सी द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, एंड लैम्डा जो होता है वो वेवलेंथ होता है। ध्यान रखना एच और सी दोनों कॉन्स्टेंट है, जब आप इनका रेशियो लेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, ये भी, ये दोनों जो है वो आपस में कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि जो एच होता है वो तो खुद ही एक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। तो यहाँ पे ई एनर्जी है और लैम्डा जो है वो वेव लेंथ है, लैम्डा वेव लेंथ भी यूज करते हैं, ये फॉर्मूला मैं बताया। अब आ जाइए वापस, आई होप आपको दिख रहा हो कि वेव लेंथ लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद वो कैमरा में आ नहीं रहा है, जो भी। तो ये हो जाएगा बेटा एच सी ओवर लैम्डा वन, और ये हो जाएगा एच सी ओवर लैम्डा टू। मैंने इसके लिए 1, 2 क्यों नहीं लिखा है, मतलब मैंने H1C1 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ये कॉन्स्टेंट है, तो ये रीड नहीं कर रही, तो ये सेम वैल्यूज रखेंगे, इनमें 1, 2 लगाने की जरूरत नहीं है। अब वो कह रहा है कि जी लैम्डा वन और लैम्डा टू का जो रिलेशन देखिए, तो एक काम करते हैं डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा E1 ओवर E2, तो E1 ओवर E2 हो जाएगा आपके पास एच सी ओवर लैम्डा वन, और यहाँ हो जाएगा एच सी यहाँ पे इंटू लैम्डा वन, ये डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे और ऐसे तो कट ही जाएगा, तो आपके पास रहेगा लैम्डा वन ओवर लैम्डा टू। तो रिलेशन क्या आया, रिलेशन क्या आया, रिलेशन आया आपके पास लैम्डा वन और लैम्डा टू, सॉरी प्रॉपरली लिख देते हैं लैम्डा वन और लैम्डा टू। तो आपके पास रिलेशन क्या आया, रिलेशन आया आपके पास कि जो हमारा, अच्छा E1 और E2 का वैल्यू रखना है, बट वैल्यू ऑफ E1 इट इज 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर E2 इज 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से आपके पास आया कि E1 ओवर E2 जो है वो लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 के इक्वल है। नाउ E1 इज 25 और E2 इज 50, तो यहां से सॉल्व कर लेना, 50 होता है तो आपके पास जो आ जाएगा
लैम्डा टू जो होगा वो टू टाइम्स ऑफ लैम्डा वन हो जाएगा। ओके बेटा तो कौन सा ऑप्शन सही है? अच्छा मैंने ऊपर वाले में ऑप्शन नहीं लिखा, सॉरी इसका जो ऑप्शन सही है दैट इज ऑप्शन नंबर वन और ऊपर वाले का जो ऑप्शन सही है दैट इज ऑप्शन नंबर टू। सॉरी मैं ऊपर टिक करना भूल गई थी। ओके चलिए जल्दी से देख लीजिए कैसे किए हैं हमने। कहानी सारी यही है, बार बार मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि फॉर्मूला और उनके सेंटेंस के मीनिंग इज एवरी थिंग। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन जेई 2021 का है, 20 का सॉरी। क्वेश्चन क्या है? द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस ए नॉट इन लिथियम टू पॉजिटिव आयन इज व्हाट? ओके क्या पूछा जा रहा है? सबसे जरूरी है द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट। वो आपसे बेटा रेडियस पूछ रहा है बोहर ऑर्बिट की, कौन सी वाली की? सेकेंड बोहर ऑर्बिट। देखिए सेकेंड बोहर ऑर्बिट का मतलब है कि एन का वैल्यू तो टू होगा। ओके और रेडियस पूछ रहा है वो आपसे लिथियम टू पॉजिटिव आयन का मतलब क्या है, क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क पड़ता है क्योंकि लिथियम का इस बार आयन है, लिथियम है तो इसलिए जेड का वैल्यू इस बार वन तो नहीं होगा, वो तो हाइड्रोजन में होता है जैसे मैंने भी आपको बताया। लिथियम के लिए वैल्यू थ्री होता है, अराउंड अगर लिथियम का थ्री होता है बिकॉज ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं कि भाई रेडियस होता क्या है। तो जो रेडियस का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ एनी एन एच ऑर्बिट इज 52 एन ऑर्बिट आई मीन 52.9 इनटू एन स्क्वायर ओवर जेड पिकोमीटर। दिस इज अ वैल्यू, पिकोमीटर की जगह आप इसे एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं बट मैंने पिकोमीटर लिखा। ओके ना अब यहाँ पे आर तो रेडियस है आपको समझ आ ही रहा है, आर हमारी रेडियस है, जेड हमारा एटॉमिक नंबर है और एन हमारा ऑर्बिट नंबर या बेसिकली शेल नंबर आप कुछ भी कह सकते हैं, ऑर्बिट नंबर है। और जो आगे लिखा जाता है ना 52.9 दैट इज कॉल्ड बोहर रेडियस, यही आपका बोहर रेडियस है जो लिखा जाता है आगे कॉन्स्टेंट टर्म में लिखी जाती है, इसी को हम बोहर रेडियस कहते हैं और इसी को हम डिनोट करते हैं ए नॉट से। ओके चलिए तो यानी कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग 52.9 देन आल्सो राइट इट ए नॉट इनटू एन स्क्वायर ओवर जेड। तो अच्छा हमें क्या क्या पता होना चाहिए भाई? जेड पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए। तो एन तो हमें पता है कि एन हमें दे रखा है और लिथियम के लिए थ्री होता है, एन इज इक्वल टू थ्री फॉर लिथियम। ओके और जेड होता है सॉरी जेड इक्वल टू थ्री फॉर लिथियम और एन का ऑर्बिट होता है एन को आपको दे रखा है। अच्छा कई बार ना बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ बात। बच्चे कहते हैं कि मैम लिथियम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फिर आप एटॉमिक नंबर जेड का वैल्यू आप थ्री क्यों लिख रहे हैं? देखिए ऐसा है एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहता है, आप कैटायन लिखिए आप किसी का अनायन बनाइए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप चाहे लिखिए लिथियम टू प्लस, आप लिखिए लिथियम प्लस, आप लिखिए लिथियम थ्री प्लस, आप लिखिए लिथियम माइनस वन, होते नहीं है सारे पर मान लीजिए आप कुछ भी लिखिए उसमें इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो जाएंगे। जैसे लिथियम टू प्लस में इलेक्ट्रॉन होगा एक, ठीक है लिथियम प्लस में इलेक्ट्रॉन होगा दो, लिथियम थ्री प्लस में इलेक्ट्रॉन होगा जीरो और लिथियम माइनस में इलेक्ट्रॉन होगा फोर। इलेक्ट्रॉन चाहे इसमें कुछ भी हो बट इसका एटॉम है तो लिथियम ही ना, एक्चुअल एलिमेंट तो लिथियम ही है तो जेड हमेशा टू ही थ्री ही रहेगा। यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है यानी कि जो Z होता है जिसका एटॉमिक नंबर कह रहे हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं कर रहा कि उस आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, या कैसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है बट न्यूट्रल स्टेट पे। तो एटॉमिक नंबर का एक्चुअली डेफिनेशन यही है कि इट इज़ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम और इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटोन, क्योंकि प्रोटोन तो हमेशा ही सेम रहते हैं। ओके तो ऐसा नहीं कहना है कि भाई इसके अंदर दो टू पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, हाँ इसमें इलेक्ट्रॉनिक ही है बट रहेगा तो लिथियम ही ना, तो एटॉमिक नंबर अभी भी तीन ही रहेगा। ठीक है चलिए तो वापस आ जाइए और लगाइए फॉर्मूला। तो जो रेडियस होगा आर एन बेटा इस 52.9 की जगह मैं ए नॉट लिख सकती हूँ, ए नॉट 52.9 की जगह मैंने ए नॉट लिख दिया, ठीक है और एन का वैल्यू है दो तो दो दुनी चार होता है वैसे और जेड का वैल्यू है तीन, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा जो मतलब बनेगा होगा आर इक्वल्स टू ए नॉट। अब एन लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपने एन बता दिया कितना होता है, ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू ए नॉट 4/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए नॉट 4/3। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सारा खेल फॉर्मूले का है। ठीक है
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस इज व्हाट। वैसे इसकी जरूरत नहीं है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी, ऐसा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम वैसे निकालेंगे। इसमें ना इस क्वेश्चन में अलग क्या है, इस क्वेश्चन में अलग है सेकंड एक्साइटेड स्टेट वाला वर्ड, ध्यान सुनना मैं आपको समझा समझाती हूँ। देखिए जब आप कोई एटम बनाते हैं ना, सब हाइड्रोजन एटम बना लीजिए, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि बोहर मॉडल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही है, ठीक है। जुपिटर जब आप शेल्स बनाते हैं ना या ऑर्बिट जब आप बना रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास न्यूक्लियस के एग्जैक्ट बाद वाली ऑर्बिट होती है, न्यूक्लियस के जस्ट अबव, न्यूक्लियस के साथ वाली जो ऑर्बिट होती है वो एन इक्वल्स टू वन होती है, मानते हैं तो ये एन इक्वल्स टू हो जाएगा और ये एन इक्वल्स टू थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली हाइड्रोजन एटम में कहाँ रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट क्या है, वो है एन वन, मतलब ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन एन वन में रहता है, ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली एन वन में ही रहेगा, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन। तो ओरिजिनली जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यानी कि एन इक्वल्स टू वन, इसी को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो आप इस बात को कहीं नोट कर लीजिए क्या, कि फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू एन इक्वल टू वन, हमेशा हमेशा। अल्लाह सेंटर को कहीं उसने क्वेश्चन में नहीं दे दिया कि जी वो सेकंड शेल में बैठा है, वो अलग बात है शेल और ऑर्बिट में, वरना हमेशा जो ग्राउंड स्टेट होगी वो हमेशा वन ही होगी, ओके। तो फिर बात आती है N2 क्या है, N2 है एक्साइटेड स्टेट, N1 के अलावा जितनी भी स्टेट बची वो सारी की सारी एक्साइटेड स्टेट है। अब ध्यान देना ग्राउंड स्टेट तो वन होगी, एक्साइटेड स्टेट टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है, फाइव भी है, मगर पहली एक्साइटेड स्टेट, सबसे पहले वाली एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, एन इक्वल्स टू थ्री होगी। तो आप लिखेंगे ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू एन इक्वल टू थ्री, क्लियर है, टू सॉरी एन इक्वल टू टू, सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू एन इक्वल टू टू, सॉरी गलती से थ्री बोल दिया, ठीक है भावनाओं में बह के, ठीक है। चलिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगी उसे अगले वाली यानी एन इक्वल टू थ्री वाली, बट द थर्ड एक्साइटेड स्टेट चलती जाएगी खाली। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, कि एनी फोन लिखा है पर एक ही बार एन फोन लिखा है, ठीक है, एंड सॉन ऐसे कहानी चलती जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो बच्चे जो है नोट कर देते हैं। चलिए अब आ जाइए क्या कह रहा है, एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो अब आप समझ गए कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये नहीं है कि वो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी पूछ रहा है, वो सेकेंड शेल की एनर्जी नहीं पूछ रहा, वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पूछ रहा है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है n इक्वल्स टू टू, सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी n इक्वल्स टू थ्री, तो बेसिकली वो n इक्वल्स टू थ्री की एनर्जी पूछ रहा है क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट वर्ड लगा रहा है, ओके। चलिए तो अब तो बहुत क्लियर है चीजें, एन हमें पता चल गया है कि थ्री है, अच्छा इसके अलावा हीलियम प्लस की बात कर रहा है, देखिए हीलियम प्लस हो माइनस हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हीलियम है ना, आटा अपने मतलब कितना होगा, कितना होगा बेटा बोलिए जल्दी बोलिए, अरे बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ना, एनर्जी जो होती है बोहर ऑर्बिट में वो वैसे तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, आप एनर्जी ऐसे भी निकाल सकते हैं -2.182×10⁻¹⁸ इंटू जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, ये होती है जूल में, पर यहाँ ये नहीं लगानी है, क्यों नहीं लगानी है, बिकॉज वो आंसर आपसे पूछ रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जूल में निकाल के क्या कर लेंगे, तो इस बार हम लगाएंगे दूसरा एनर्जी का फॉर्मूला, तो मैं इसे गलत नहीं है फॉर्मूला सही है, यहाँ नहीं आपने ये बोलूंगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन वाला वोल्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन, ओके। देखिए एन पता चल गया, जेड पता चल गया, वैल्यू पुट कर लीजिए, -13.6 जेड का वैल्यू है 2 और n का वैल्यू है 3, तो ये आपके पास नजर आ जाएगा, तो 3 4 3 3 9, ठीक है। तो भाई देख लेना कितना आएगा, -13.6 2 4 3 9 और ओके -6.04 के आसपास आएगा, मैंने थोड़ा मैथ लगाया है, ठीक है जल्दी जल्दी में, और ये आंसर पास,
ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन होल के अंदर। क्लियर है बात? तो भाई क्वेश्चन कई बार सिंपल लगता है, तो टीचर जो है आपको फंसाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो आपने जो है वो अलर्ट रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिटल हाइड्रोजनिक एटम इज इक्वल टू इतना, द वैल्यू ऑफ एन ओवर जेड इज वन। ओके, आपको बोला हुआ है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, बेसिकली डी ब्रोगली वेवलेंथ या सिंगल वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा, सिंबल होता है लैम्डा की वैल्यू। बेटा आपको इतनी दे रखी है, साइन की वैल्यू ने जो भी दे रखा है, लैम्डा आपको दे रखा है 1.5 पाई ए नॉट, एनथ ऑर्बिट है ठीक है, हाइड्रोजनिक एटम है ठीक है, देन एन ओवर जेड। आपसे पूछा एन ओवर जेड कितना होगा, देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा जिसमें लैम्डा भी आए और एन भी आए और जेड भी आए। ये फॉर्मूला पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 2πr = nλ, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ठीक है। आप समझ रहे कैसे किया है, बिकॉज लैम्डा दे रखा है, एन बाय जेड पूछा है, तो द रिलेशन विच द इक्वेशन वी वांट शुड कंटेन लैम्डा एन एंड जेड तो होना चाहिए, तो फॉर्मूला विल बी 2πr = nλ। ओके, नाउ अब आर का यहाँ पे आपको कोई डायरेक्ट दिख नहीं रही है बात, तो आर को जब आप खुलोगे ना तब आपको एन और जेड मिलेंगे ठीक है। तो आर को ओपन कर लेते हैं, आर होती है हमारी रेडियस, तो रेडियस को जब हम ओपन करते हैं तो वो होता है 2π। अब क्योंकि आप उसने ए नॉट के फॉर्म में दे दिया, तो मैं 52.9 नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ए नॉट एन स्क्वायर ओवर जेड, या मल्टीप्लाई नहीं करते दिक्कत हो रही, 2π ए नॉट एन स्क्वायर ओवर जेड इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ से आप एन कैसे कीजिए, रेडियस का फॉर्मूला लिख देती हूँ साइड में आपके लिए, 52.9 एन स्क्वायर ओवर जेड, या फिर इसको आप ए नॉट कहते हैं तो आप लिखिए आर इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर ओवर जेड पिकोमीटर के अंदर। ओके चलिए, तो फिर आ जाइए वापस, तो यहां से आपके पास हो जाएगा एन ओवर जेड, आप अलग कर लीजिए, तो एन ओवर जेड जो होगा वो होगा लैम्डा 2π ए नॉट, और लैम्डा का वैल्यू आपको 1.5 πa नॉट दे रखा है, तो आप लिखेंगे एन ओवर जेड इक्वल्स टू 1.5 πa नॉट और 2π ए नॉट, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ऑलमोस्ट 0.75, ऑलमोस्ट क्या इतनी आएगी। ओके, कुछ लिख दिया आपने, बस सही फॉर्म में ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन जे 2021 का क्वेश्चन है, इससे लाया हुआ है, क्या कह रहा है, द अकॉर्डिंग टू द बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए जब मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक के अंदर जो कराया था बोहर मॉडल, उसके अंदर मैंने आपको कुछ रिलेशन बताए थे, बस वही रिलेशन आपने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक थ्योरी, अच्छा इसका ऑप्शन लिखना भूल गई, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा है कि राइट आंसर कौन सा है, आपसे पूछा है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, और जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं वो है फर्स्ट है सी ओनली, सेकेंड इज ए एंड डी ओनली, थर्ड इज ए ओनली एंड फोर्थ इज ए सी डी। आपको बोलना है करेक्ट क्या है, एक्चुअली ए बी सी डी के फॉर्म में दे रखते हैं। ओके चलिए, पहला पॉइंट है, एक बार आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ठीक है, फिर देखते हैं आपने क्या किया। ओके, पहला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक्चुअली मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं बताया था, मैंने आपको बोला था कि भाई काइनेटिक एनर्जी और हमारी एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमने पढ़ा हुआ है क्या कि जो एनर्जी ऑफ जो आप किसी भी एनर्ज ऑर्बिटल में ऑर्बिट में बोहर मॉडल में जो एनर्जी देखते हैं तो एक्चुअली माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही होती है, मानते हो बात। और आपको याद है कि एनर्जी का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वो होता है -2.18 × 10⁻¹⁸ × z²/n²। तो अगर आपकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर आपकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z²/n² का, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, बिकॉज दोनों का रिलेशन आपको पता चल गया। तो पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, हमें डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पता, अगर तब भी हम रिलेशन से निकाल सकते हैं।
ओके द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला जब हमने पढ़ा था, ठीक है, तो वो हमारे पास था कि वेलोसिटी होती है 2.18 इनटू 10 टू द पावर 6 जेड ओवर एन, और वहां पे मैंने आपको बताया था 2.18 इनटू 10 टू द पावर 6 जेड ओवर एन, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी जो होती है वो जेड ओवर एन के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड ओवर एन, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड ओवर एन, या ले सकते हैं जो वी एन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड एन, वी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, टेढ़ा हो गया, बड़ा समझ नहीं आई बात है ना। वेलोसिटी के फॉर्मूले से आपको पता चल गया है कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड ओवर एन, यानी कि वेलोसिटी इंटू एन जो होगा वो जेड के प्रोपोर्शनल होगा। वेलोसिटी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मल्टीप्लाई, तो क्या कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एन, मतलब वी एन जो है वो क्या है, तो वी एन जो है वो आपके पास एन जेड के प्रोपोर्शनल है, पर यहाँ पर उसने रेस्ट कर लिख दिया तो भाई ये तो हो गया गलत, ये गलत है। तो अब बी ऑप्शन तो ऐसे गलत है, और बी कहाँ है एक्चुअली, बी कहीं है ही नहीं, बी देखने की जरूरत नहीं थी, तो वैसे ही गलत है, कहीं है ही नहीं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज जेड स्क्वायर ओवर एन क्यूब, ये भी मैंने आपको पहले वाले फॉर्मूले में बताया हुआ है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्शन होगा जेड स्क्वायर ओवर एन क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, वीडियो देखने वाली, ठीक है, वहां से हमने रिलेशन पा लिया, ये सही है, ये हम देख चुके थे। कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जेड क्यूब ओवर एन क्यूब, ये भी आपको याद रखना है, जो कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो जेड क्यूब ओवर एन क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है, ये भी याद रखना। तो ए सीरीज का करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है जे 2020 में का क्वेश्चन है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिटल्स, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी बिकॉज ये आप करेंगे, तो ये आपके लिए डू इट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन है, डी आई वाई क्वेश्चन है, आपने इसे खुद करना है। जो भी ऑप्शन सही होगा, जो भी राइट होगा, वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखेंगे, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को वीडियो समझ आया है और कितने बच्चे जो क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ओके, इसके अलावा आपको कोई भी सजेशन हो वीडियो को लेके, कोई नए टॉपिक को लेके जो आपको समझना हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आप लोग आपको समझ आया हो, समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।